आज जम्मू कश्मीर के नेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री अमित शाह भी होंगे मौजूद। 370 हटने के बाद पहली बार मुलाकात। पीएम की बैठक से पहले सुबह 11 बजे जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक। गुलाम नबी आजाद और ताराचंद लेंगे हिस्सा। बैठक से पहले जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं की जेपी नड्डा से मुलाकात। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना, पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता और निर्मल सिंह भी रहेंगे शामिल। पीएम की बैठक से पहले महबूबा मुफ्ती ने आज तक से की खास बात, कहा खुले दिमाग के साथ मीटिंग में शामिल होने आई। बिल्कुल खुले मन से जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, नेचुरली पूरे खुले मन से जा रहे हैं। पीएम की बैठक से पहले फारूक अब्दुल्ला के घर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक। बातचीत के मसौदे पर हुई माथापच्ची। केंद्र सरकार की तरफ से 8 राजनीतिक दलों को बैठक के लिए भेजा गया न्योता। कांग्रेस भी मीटिंग में लेगी हिस्सा। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जितेंद्र सिंह, पीएम के सेक्रेटरी पीके मिश्रा और होम सेक्रेटरी भी होंगे शामिल। बैठक में पूर्ण राज्य का दर्जा और चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा। सुबह 11 बजे पीएम टॉयकैथन 2021 को करेंगे संबोधित। भारत को खिलौने का हब बनाने की नीतियों पर होगा जोर। जम्मू में डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ हुई नारेबाजी। प्रधानमंत्री की बैठक को लेकर जम्मू में बवाल, पैंथर्स पार्टी का विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री की बैठक से जम्मू कश्मीर में 48 घंटे का अलर्ट, कल ठप रह सकता है हाई स्पीड इंटरनेट। सूरत कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पेशी, मानहानि केस में सुनवाई। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने दर्ज कराया था केस, राहुल गांधी ने दर्ज कराया था बयान। देशभर में 54,000 से ज्यादा नए एक्टिव केसेस लगातार 6,27,000 से ज्यादा। कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले केरल से, 12,700 है संख्या। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, नए मामलों का 71% केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से। कोरोना से 24 घंटे में 1,321 लोगों की गई जान, अब तक 3,91,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 24 घंटे में 68,800 से ज्यादा लोग हुए कोरोना से स्वस्थ। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट से तीसरी लहर का बड़ा खतरा, अब तक 40 केस से स्वास्थ्य मंत्रालय की बड़ी चिंता। मध्य प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस के 5 मामले, उज्जैन में एक महिला की मौत। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए विशेषज्ञों ने दी सरकार को सलाह, जल्द से जल्द कारगर कदम उठाने पर जोर। एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया का बयान, सितंबर अक्टूबर से लगेगी बच्चों की वैक्सीन। देश में अब तक लगे 30 करोड़ वैक्सीन, 24 घंटे में करीब 58 लाख लोगों को दी गई डोज। कोरोना को लेकर ममता बनर्जी का वार, दूसरी लहर के लिए मोदी सरकार को बताया जिम्मेदार। बिहार में खत्म हुआ लॉकडाउन, सरकारी दफ्तरों में 100% कर्मचारियों की तादाद। हिमाचल प्रदेश में हटा दी गई लॉकडाउन की पाबंदियां, खुल गए बाजार, जिम और प्रोफेशनल शिक्षण संस्थान। कुल्लू में नितिन गडकरी के कार्यक्रम के दौरान जोरदार बवाल, एसपी और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे अधिकारियों के बीच झड़प। जालंधर में कैप्टन सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, कांग्रेसी विधायकों के बेटों को सरकारी नौकरी का विरोध। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ोतरी, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। भारी बारिश से गोवा के लोगों को किया बेहाल, उफान पर है राज्य की नदियां। पंजाब में झुलसाने लगी गर्मी, अमृतसर में गर्म हवाओं ने लोगों को किया बेहाल। दिल्ली में मानसून के लिए अब करना होगा इंतजार, इसी महीने के आखिर तक परेशान करेगी 40 डिग्री वाली गर्मी। चमोली में जून के महीने में जमकर बर्फबारी, बर्फ से लबालब हुआ भारत चीन सीमा पर पास का इलाका। दरभंगा की यूनिवर्सिटी में आयसा के छात्रों का विरोध प्रदर्शन, कोरोना काल में फीस बढ़ोतरी को लेकर नाराजगी। बागपत में एसपी ऑफिस में आरएलडी कार्यकर्ताओं का बवाल, पुलिस पर लगाया झूठे मुकदमे करने का आरोप। पंजाब के फरीदकोट में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर सरकार से नाराजगी। विदिशा के कृषि मंडी में व्यापारियों की हड़ताल से परेशान होकर किसानों ने किया चक्का जाम, घंटों परेशान रहे लोग।
छपरा में बधार सड़क से परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन, नीतीश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हाजीपुर में वैक्सीन खत्म होने से नाराज लोगों ने काटा बवाल, पुलिस के बीच बचाव करने से संभले हालात। बाहुबली मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार का शिकंजा, पत्नी अफशा अंसारी की ऑडी कार जब्त। एंटीलिया केस में जारी है एनआईए की जांच, प्रदीप शर्मा के एनजीओ के दफ्तर पर जांच एजेंसी का छापा। बॉलीवुड में काम करने वाले तीन फैशन डिजाइनर्स को ईडी ने भेजा पूछताछ का नोटिस, पंजाब के एक नेता के साथ लाखों रुपए के लेनदेन का मामला। पुंछ में सेना ने नष्ट किया मोर्टार, रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान ने बनाया था निशाना। राजस्थान के पुष्कर में नाबालिग से बलात्कार को लेकर बढ़ा बवाल, थाने के बाहर गांव वालों का प्रदर्शन। शाहजहांपुर में पांच शादी के बाद छठी शादी में पकड़ा गया ढोंगी बाबा, कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। बेगूसराय में भीड़ का अंधा कानून, चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई। बलरामपुर में फिरौती मांगने के आरोप में एक दंपति गिरफ्तार, पत्नी से चिट्ठी पर लिखवाया लाल सलाम और मैनेजर से मांगे 2 लाख रुपए। उज्जैन पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी इनकम टैक्स कमिश्नर, नौकरी देने के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप। आंध्र प्रदेश कुरनूल में 4 सदस्यों के परिवार ने की खुदकुशी, कोरोना से रिश्तेदारों की मौत को लेकर थे परेशान। मेरठ में मकान के कब्जे के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने, जमकर हुआ हंगामा। गुरुग्राम में जीवित डॉक्टर का बनाया गया फर्जी डेथ सर्टिफिकेट, बीमे की रकम हड़पने का खेल। आगरा में सड़क हादसे में 4 दोस्तों की मौत, डिवाइडर से टकराकर पलटी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का। बांदा में कोर्ट परिसर में सब्जी बेचने वाली महिला ने खड़ा किया तमाशा, पुलिस का परेशान करने का आरोप लगाकर पानी टंकी पर चढ़ी। डूबे कर्ज की भरपाई के लिए SBI समेत दूसरे बैंक बेचेंगे विजय माल्या के शेयर्स, 6200 करोड़ रुपए की रिकवरी का अनुमान। जुलाई से हीरो मोटोकॉप की मोटरसाइकिल स्कूटर्स के दाम में होगा इजाफा, 3000 रुपए तक महंगे हो जाएंगे 2 व्हीलर्स। इंडिगो एयरलाइंस ने शुरू की वैक्सीन फेयर स्कीम, वैक्सीन लगवा चुके यात्रियों को किराए में मिलेगी 10% छूट। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए फंड जुटाएगा रागास फॉर यमुना, 27 जून को होने वाला वर्चुअल इवेंट की अब तक 75% टिकटों की बिक्री। फेक रिव्यूज पर लगाम कसते हुए अमेजॉन ने किया बड़ा फैसला, चीन के 3 और ब्रांड्स को अपने प्लेटफॉर्म पर किया बैन। योग गुरु स्वामी रामदेव ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, कई शहरों में दर्ज FIR पर रोक की याचिका। फरीदाबाद में शादी की अनूठी तैयारी, सैनिटाइजर की बोतल पर छपा है ब्याह का कार्ड। जोरों पर है टोक्यो ओलंपिक की तैयारियां, आयोजन स्थल पर लगाई गई शराब पीने पर पाबंदी। पाकिस्तान के लाहौर के जौहर टाउन इलाके में जोरदार धमाका, आतंकी हाफिज सईद के घर के नजदीक हुआ विस्फोट। लाहौर धमाके में 2 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा घायल, जशनदीप बोला बाइक पर था विस्फोटक। न्यूजीलैंड में टीम इंडिया के चैंपियन बनने के सपने को किया चकनाचूर, पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनकर रचा इतिहास। 8 विकेट से जीती न्यूजीलैंड की टीम, 2 विकेट खोकर हासिल किया 139 रन का लक्ष्य। केन विलियमसन और रॉस टेलर ने खेली चैंपियनशिप पारी, विलियमसन ने 52 रन और रॉस ने बनाए नाबाद 47 रन। पहली पारी में धारदार गेंदबाजी करने वाले शमी, ईशांत रहे फिसड्डी, अश्विन को मिले 2 विकेट। टोक्यो ओलंपिक के टीम इंडिया का थीम सॉन्ग लॉन्च, खेल मंत्री किरण रिजिजू मौके पर मौजूद। ईरान और अमेरिका में और बढ़ा तनाव, ईरान सरकार ने अमेरिका पर लगाया समाचारी वेबसाइट को सीज करने का आरोप। न्यूक्लियर समझौते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है ईरान के नए राष्ट्रपति, लेकिन जो बाइडेन से मुलाकात से किया इनकार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका में भीषण गर्मी और कई इलाकों में पैदा हुए सूखे जैसे हालात पर की चर्चा, हर संभव मदद का भरोसा। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से दुनिया भर में दहशत, अमेरिका और ईरान ने जताई गंभीर चिंता। कोरोना के इलाज के आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल के परीक्षण में जुटा ब्रिटेन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में की जा रही है स्टडी। दुनिया भर में 17,99,00,000 के पार पहुंचे कोरोना मरीज, अब तक 38,97,000 से ज्यादा लोगों की महामारी से जा चुकी है जान। मॉस्को में खेल
मॉस्को में खोल दिए गए हैं बार और रेस्टोरेंट्स, लेकिन वैक्सीन के लिए लोगों को ही मिलेगी एंट्री की इजाजत। जापान में शुरू किया गया 44 साल पुराना न्यूक्लियर रिएक्टर, सरकार ने दी है स्पेशल इजाजत। बीजिंग में चीन के एस्ट्रोनॉट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने जारी किया अंतरिक्ष यात्रियों के ट्रेनिंग का वीडियो, पानी के बड़े टैंक में दिखे एस्ट्रोनॉट्स। इटली के मिलान में मिस्र के प्राचीन मेडिकल साइंस पर चल रहा है रिसर्च, ममी के सीटी स्कैन से रहस्यों का पता लगाने की कोशिश।